अंदर से गर्व फील कर रहा हूँ, इतना गर्व फील कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में कभी इतना खुश नहीं रहता था, मैं कभी खुश नहीं हुआ था अपने ज़िंदगी से कि हाँ मैं इतना खुश रहूँगा कभी। ये सब मुझे युवा प्रकोष्ठ से मिला। मेरे दोस्त जो मैं मुझे यहाँ पे लाए, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करता हूँ कि वो मुझे यहाँ पर लाए। पहले तो मेरा दिमाग एकदम एक जगह स्थिर नहीं रहता था। कभी कोई बोलता था कि चलना है यहाँ, ठीक है चलते हैं, वहाँ चलना है चलो, घर से फोन आता था कि ये काम है जे चलेगा, बहुत हुआ तो वहाँ पे किसी को पहुँचा दो। हम बहुत करते थे, बहुत मन लगता था, बहुत करते थे, क्योंकि घूमते थे तो पैसा मिलता था, जहाँ जाते थे वहाँ आते कि जाएंगे तो हमको कुछ पैसा मिलेगा, टाइम पास करने के लिए अच्छा चीज़ हो जाएगा। लेकिन जब मैं युवा प्रकोष्ठ आया तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं गर्त में जा रहा था, मैं तो एक गड्ढा खोद रहा था अपने लिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप पहले, मैं जब फरवरी से यहाँ पे आ रहा हूँ, बीच बीच में आता था, छोड़ भी देता था, लगता था कि है क्या करूँ, लेकिन फिर मन नहीं माना, लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए। मैं आया और संजोग से उसी दिन आया जिस दिन PDC का फॉर्म भराया किया। लेकिन ये 5 दिन में जो मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया है, मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा बदलाव नहीं देखता। अरे हम लोग तो मतलब एक तरह, मैं क्षत्रिय कुल से आता हूँ, लेकिन एकदम बेकार ऐसा क्षत्रिय है जो कि खुद को नहीं पहचानता। हम तो कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, लेकिन नहीं, हम क्षत्रिय नहीं हैं, हमको क्षत्रिय नहीं बनना है, बस हमको एक इंसान बनना है, हमको यही पता चला। मैं क्षत्रिय नहीं बनना चाहता हूँ, नहीं चाहिए मुझे ये क्षत्रियता का लोग, नहीं चाहिए। क्या कर लेंगे क्षत्रिय बनकर, क्या कर लिए? बहुत होगा तो आपको मारेंगे, बोलेंगे हम क्षत्रिय, अरे शरीर में मेरा जान ही नहीं है, हम क्या मारेंगे आपको, 2 फैट मारिएगा फेंका जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे अंदर मुझे अपना शक्ति बनाना है, सब कुछ करना है, तो सबसे पहले तो गायत्री मंत्र का जाप, उसके बाद ये नवयुवन और मेघाचूर्ण, ये खाने से मुझे बहुत फायदा हुआ। आप लोग को जो प्रॉब्लम है वो भी था, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं था, लेकिन ठीक हुआ, अब मैंने ठीक किया उसको, ठीक किया। हमको लगा कि नहीं ये गलत है, मैंने ठीक किया उस चीज़ को, और मैं ये कामना करता हूँ भविष्य में कि मैं ठीक रहूँगा और आने वाले दिन में मैं स्वस्थ भी रहूँगा और समाज को एक नया चुनौती भी दूंगा। ये मेरे अंदर है, ये बुलंदी है मेरे अंदर, मैं करके दिखा दूंगा, मैं करके ज़रूर दिखाऊंगा भाई लोग। यही मेरा आप लोग से निवेदन।